राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस समय पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हैं। सीढ़ियों से गिरने के बाद लालू यादव के कंधे में फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। तो वहीं पारस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ रहमान ने कहा कि उनके कंधों में लगी चोट के कारण लालू प्रसाद की हालत थोड़ी अस्थिर थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इमरजेंसी केयर यूनिट में एडमिट किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बिकॉज़ उनका जो शोल्डर इंजरी हुआ था रिसेंटली, अभी एक टीम ऑफ डॉक्टर हमारे आईसीयू में उनके स्थिति पर निगरानी रखे हुए एंड अभी जो स्टेटस है वो स्टेबल है। उनके आने का कारण जो हड्डी में चोट लगी थी, हड्डी की चोट और उनकी जो प्रीवियस डिजीजेस है वो किडनी में प्रॉब्लम बताया पहले से है। कब तक उम्मीद है कि अगर ऐसे स्टेबल है डिस्चार्ज है ये कहना भी मुश्किल है, तो लेट्स टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। अभी कैसी स्थिति है? अभी स्टेबल। अब कब तक रिलीज करना है सर आपको? अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, जैसे स्थिति होगी उसके अवगत कराते रहेंगे हम लोग। क्या ऐसी भी कुछ है कि बहुत ज्यादा गंभीर मामला है या क्या ऐसा कैसा चोट है? स्टेबल है और अंडर कंट्रोल है। तीनों डॉक्टर जो हमारे साथ देख चुके हैं और निगरानी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ब्लड रिपोर्ट्स की है, एक्सरे का है। सर नाम बता दीजिए अपना पूरा। डॉक्टर आसिफ रहमान। सर सुना है कि उनको दिल्ली में रेफर किया जा रहा है, ये मैं अवगत नहीं हूँ। डॉक्टर आसिफ रहमान क्या आपको छोड़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ठीक ठीक ठीक। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव की स्थिति स्थिर है। कैसी अभी तो रिलीज किया डॉक्टरों ने, अभी स्टेबल है। स्टेबल है। रात में 3:30 लाना पड़ा। बता दें कि लालू यादव की तबीयत देर रात अचानक ज्यादा बिगड़ गई थी, इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लालू यादव को तेजस्वी यादव खुद कार से अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। उनकी हालत स्थिर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।